नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। डार्लिंग, वो बुढ़ा खुसर समझता है कि हम उससे प्यार करता है। स्टुपिड इडियट कहीं का। इडियट? काम दे, तू नाकाम हो गया। नाकाम हो गया। डार्लिंग, उस इडियट को छोड़ो, तुम अंगूर खाओ। अंगूर खाओ? अबे लंगूर, मेरे अंगूर और मेरी अंगूरी पे कुकड़ू कूं बोल ले आए। वो काम दे ओ अपने गम को, शराब में डुबा दे। अब तक शीबा दास था, अब देवदास बन जा। पकड़ में उठ मर्द बन मर्द। अल्फासू तू यू। ओए आज छटना नहीं है भैनू। आया पकड़ में। ओए ये क्या आया पकड़ में? तलवार उधर है, म्यान इधर है। ओ पलट तेरा ध्यान किधर है? पलट तेरा ध्यान किधर है? ओए तेरा ध्यान इधर ही है। ओ शिवा तू तो ज्ञान से काम ले। नहीं, प्यार की ढाल बन जा। प्यार की ढाल बन जा। ओए औरत तेरा नाम बेवफाई। ओए मेरी कमाई तूने तो खिलाई। ओए तू तो समझदार है। जब तक मैं सीमा को अपने सामने दुल्हन बनी हुई नहीं देख लूंगी, तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पवित्र अग्नि के फेरे न सही, चेहरे के फूल तो खिला सकता है ना। जल्दी कर बेटे, समय बहुत ही कम है। मजा आ गया, क्या खबर सुनाई? ये ले, मेरी तरफ से गरीबों को बांट देना। चुप क्यों है? हाँ समझ गया। अरे यार दिल छोटा नहीं करते, आज नहीं तो कल हम अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। अरे मेरा यार बनेगा दुल्हा और फूल। राजेश, तू मेरा दोस्त है ना? कमाल है, तू मेरी दोस्ती पे शक करता है? मेरा एक काम करेगा? जान हाजिर है, बोल क्या बात है। मेरा एक पैगाम स्वीटी तक पहुंचा देगा। स्वीटी? हाँ, सीमा के बचपन का नाम स्वीटी है। तू उसे इतना बता दे कि मैं उसके बचपन का राजू नहीं, सोनू। मैं बचपन से ही स्वीटी से प्यार करता था, मगर स्वीटी राजू को चाहती थी। फिर एक सैलाब आया और हम सब बिछड़ गए। परसों के बाद जब एक दिन स्वीटी मुझसे मिली, पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। स्वीटी की जिंदगी राजू के बिना अधूरी थी और मेरी जिंदगी स्वीटी के बिना। दिल के हाथों मजबूर होकर मैं एक पाप कर बैठा। मैंने राजू बनकर स्वीटी का प्यार हासिल कर लिया, लेकिन आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया। मैं स्वीटी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने इतना भी नहीं सोचा कि जब स्वीटी को इस बात का पता चलेगा तो वो कितनी दुखी होगी। मैं कितना नीच हूं राजेश, कितना जलील हूं मैं। मैंने राजू और स्वीटी के प्यार पर डाका डाला है। काश काश मुझे राजू मिल जाए। मैं राजू को स्वीटी से मिलाकर अपने पाप का प्रायश्चित कर लूं। राजेश ने स्वीटी कहां चला गया? राजू है।
सुमन ने तेरे प्यार पर टाका डाला है तो स्वीटी को समझ लग गया। बता दे स्वीटी तेरी है, सिर्फ तेरी। नहीं राजेश, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अरे तू अगर मर जाता तो एक उस्ताद दूसरे उस्ताद से उस्तादी कैसे करता। काश मुझे राजू मिल जाए, मैं राजू को स्वीटी से मिलाकर अपने पाप का प्रायश्चित करूं। जिस दोस्त के लिए तू अपनी जान कुर्बान कर सकता है, क्या उसके लिए अपना प्यार कुर्बान नहीं कर सकता? क्या सोच रहा है तू? राजू के निशाने को मिटा दे, राजू को मिटा दे। पर्स में ये स्वीटी और राजू की तस्वीर। राजू और स्वीटी, क्या ये वही राजू और स्वीटी हैं जो तेरी कहानी में है? हाँ राजेश, तेरा राजू से क्या रिश्ता है? राजू मेरा दोस्त था। तेरा दोस्त? हाँ। अब कहाँ है राजू? अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, बस ये तस्वीर उसके निशानी बनकर मेरे पास रह गई। लेकिन दोस्त, वादा कर तू स्वीटी को राजू की मौत के बारे में कुछ नहीं बताएगा, और अपनी असलियत बताकर स्वीटी का प्यार उससे ना छीनना। वादा कर। अरे कितना गहरा जख्म है, इस पे मरहम लगाना बहुत जरूरी है। नहीं सुनो, मुझे कांटों में मत घसीटो, मैं अपने प्यार का अपमान नहीं कर सकती, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। इनकार मत करो प्रेमा, वक्त बहुत कम है। तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो मैं राजू और सीमा का कर्ज कभी नहीं चुका सकूंगा। अब सुनो, क्या तुम चाहती हो कि मेरी मोहब्बत के नाम पर कलंक का टीका लग जाए और मैं जीते जी मर जाऊं? नहीं सुनो, नहीं, मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो। क्या सोच रहा है, माला पहना दे? ठहरो, शादी नहीं हो सकती। क्यों, कौन हो तुम? ये सवाल मुझसे नहीं, इस धोखेबाज इंसान से पूछिए जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब आपकी जिंदगी से खेलने जा रहा है। नहीं, मेरा राजू बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं इसे नहीं पहचानता। तुम मुझे नहीं पहचानते हो, लेकिन अपने खून को तो पहचानते हो। इस बच्चे के सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इसका मतलब ये लड़की तुम्हारी बीवी है? मुझे नहीं मालूम था तू इतना सलीम और कमीना है। तूने एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। तूने राजू बनकर स्वीटी का प्यार लूट लिया और मैं राजू कर चुप रहा। ये तुम क्या कह रहे हो राजू? हाँ स्वीटी, मैं ही तेरा राजू हूं,
बचपन से लेकर आज तक जो हमारे प्यार पे डाका डालता रहा यही सोनू है। सोनू तो इंसान के रूप में एक शैतान है। मेरा कलेजा देख, मैंने तुझे दोस्त समझकर वो प्यार तुझ पे लुटा दिया जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार था, मेरा अधिकार। लेकिन मुझे अफसोस है तू उस प्यार के काबिल नहीं रहा। धोखेबाज, बेरुखी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। बस बहन, मेरे पति को अपनी किए की सजा मिल चुकी है। चलो चलो सुनो, प्रेमा मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन प्रिया बैंक के डाकू जब तक पकड़े नहीं जाते राजू और स्वीटी की जिंदगी में खुशियां नहीं आ सकती। अब तो मैं इतना ही चाहता हूं कि ओए कांटे, रेगिस्तान आ गया। ओए कोई दांत आ गया, काम देव छुप जा, कोई काम मत कर, छुप जा छुप जा। ओ पकड़ मैं अल्फासू, अल्फासू छोड़ दे मुझे। शीबा तू ले ले, प्रिया बैंक के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ओए भांजे तू मुझे बचा ले भांजे। मामा तू ये प्रिया बैंक के बारे में क्या बोल रहे थे? प्रिया बैंक मैंने नहीं लूटा है, पर जिसने लूटा है मैं उसको जानता हूँ। साहब आपका टेलीफोन। हेलो भाटिया है, कौन है? इंस्पेक्टर बलदेव, कहो क्या बात है? क्या बैंक में कारा के फिंगरप्रिंट पाए गए? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। एक काम करो इंस्पेक्टर, तुम फौरन कारा की गिरफ्तारी का वारंट लेकर यहीं आ जाओ। हाँ हाँ, कारा इसी होटल में कैबिनेट डांसर है। कारा के फिंगरप्रिंट्स? लेकिन आप तो कह रहे थे कि राजू और राजेश ही चौथे और पांचवे डाकू हैं। हाँ प्रेम, अब फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा। कारा उन पांचों में से एक है, इसका मतलब राजू और राजेश में एक बेगुनाह और एक गुनाहगार है। वो पांचवा कोई भी हो, कारा के गिरफ्तार होते ही वो पकड़ा जाएगा। कोई भी मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तुम भी ये गलती कर रहे हो। मैं? सॉरी। मैं पुलिस से पहले बेलोडेमन होटल पहुंचकर कारा का काम तमाम कर दूंगा। उसके बाद? उसके बाद कारा के कमरे से बैंक डकैती का सारा माल लेकर आपके पास यहां पहुंच जाऊंगा। गुड, हरी अप जॉन। ओए आया पकड़ में, ये तो प्रिया बैंक की डकैती का माल मालूम होता है। ओए हाथ मत लगा, फिंगरप्रिंट आ जाएंगे यार। छड़ छड़। लेकिन वो दोनों डाकू कहां गए? ओ डाकू किधर है? डाकू आओ पता लगाते हैं। आओ पता लगाते हैं। प्रेमा तुम ये बैग लेकर यहां से निकल जाओ, और सुनो इस बैग के बारे में किसी को नहीं बताना। जब तक ये बैग तुम्हारे पास रहेगा ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा गो अहेड। ओ माल गया। ओ कोई बात नहीं, तू तो है, आजा बाथरूम में बात करते हैं। अरे छेड़ न मुझको ऐसे जालिम, छोड़ दे मेरा पल।
अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और निखर आया गुस्से में हुस्न या अल्लाह अल्लाह ओ माशा अल्लाह ओ माशा अल्लाह। मेरे पास बैंक डकैती का माल जिस बैग में रखा था वो मैंने पहले उड़ा दिया। मैडम तुम चाहते क्या हो? मैं तुझे और तेरे यार को पुलिस के हवाले करना चाहता हूं। बोल कहां तेरा यार? पता पता कहां है तेरा यार? बोल मैं पूछता हूं कहां तेरा यार? बोल बोल बताती हूं पकड़ो इसे। कोड़ों की यह बरसात तब तक बंद नहीं होगी जब तक तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगे।
बॉस अपने आदमी की अखा गाड़ी का तलाशी लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। ओए बॉस ये झूठ बोल रहा है, डिक्की के अंदर स्टेप नहीं है, हैंडल है, जैक है उठाने वाला। शट अप। ओए शट अप है। ताश ये गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़ी हुई मिली थी बॉस। इंटरेस्टिंग। अच्छा शौक है, खूबसूरत है। बॉस क्या बात है अल्फांसो? इस छोकरी को तो अपन होटल बेलो डायमंड में देखा था। उस दिन जब कारा के रूम से आपका माल गायब हो गया था, ये छोकरी मुझे होटल के बाहर मिली थी। उसके पास एक बैग भी था? यस बॉस। तब तो माल इसी छोकरी के पास होना चाहिए। कौन है ये छोकरी? इस कॉल गर्ल को मैं अच्छी तरह जानता हूं। देख छोकरी, होशियारी करने की कोशिश की ना, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। चाहे तू मेरी जान ले ले, फिर भी तुझे माल का पता नहीं बताऊंगी। माल का पता नहीं बताएगी ना, तेरे यार को खलास कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा ही होगा। कल सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले माल लेकर इस पते पर नहीं पहुंची, सोनू के इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे तू गिन भी नहीं सकेगी। भगवान, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कुछ ही पल में सूरज निकलेगा और सोनू का जीवन का सूरज डूब जाएगा। भगवान, सोनू को बचा ले, सोनू को बचा ले। मैंने मन्नत मांगी थी राजू कि जिस दिन तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे मैं भगवान के चरणों में नारियल चढ़ाऊंगी। अरे ये तो सोनू की बीबी है। प्रभा, लगता है बेचारी को किसी ने मारा है। यह हरकत उस कमीने इंसान की होगी। नहीं नहीं, सोनू ने मुझे नहीं मारा। तुम सच में एक हिंदुस्तानी लड़की हो जो पति के मार भी खाती है फिर उसका गुण भी गाती है। चलो बाबूजी, बाबूजी इस दुखिया की मदद कीजिए। बाबूजी ये तो वही बच्चा है। ये बच्चा तेरे पास कैसे आ गया? ये मेरा बच्चा है साहब। झूठ बोल रही है, ये सोनू और प्रेमा का बच्चा है, तू इसे चुरा कर लाई है। मैंने किसी का बच्चा नहीं चुराया बाबू साहब, ये मेरा बच्चा है। तुमने अपना बच्चा और किसी को दिया था? हाँ बाबूजी, एक बीवी जी थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को साथ ले गई थी। मैं सच कह रही हूँ राजू, वो बच्चा मेरा है। खाओ सोनू की कसम। नहीं, मैं ये कसम नहीं खा सकती। इसका मतलब ना ही तुम इस बच्चे की माँ हो और ना सोनू तुम्हारा पति। क्यों किया था ऐसा? बोलो। मैं नहीं बता सकती। तुम्हें बताना पड़ेगा। भगवान के लिए मुझे मजबूर ना करो, सोनू ने मुझे कसम दी थी। उसका मतलब मंगनी की महफिल में जो कुछ भी तुमने किया था वो सब एक नाटक था। मैं समझ गया, सोनू ने खुद को हमारी नजरों से गिराने के लिए ऐसा किया ताकि मैं उसे नफरत करने लगूं। उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया है और जब तक मैं उससे माफी ना मांग लूंगा चैन नहीं आएगा। कहां है मेरा दोस्त? सोनू की जिंदगी खतरे में है राजू। क्या हो गया उसे? वो उस आदमी के कैद में है जिसने बैंक में डाका मारा था। भगवान के लिए राजू, सोनू को बचा लो। तो फिक्र मत कर बहन, अपने दोस्त को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा। बैग मेरे पास है। गुड, हमने सोचा भी नहीं था कि बैग तुम्हारे पास होगा। लाओ माल हमें दे दो और अपने दोस्त को छुड़ा लो। दोस्त नहीं, दुश्मन। दुश्मन? हाँ दुश्मन।
उसने मुझसे सिर्फ मेरा माल ही नहीं छीना था, मुझसे मेरी महबूबा भी छीन ली थी, और आज मैं इससे इसकी जिंदगी छीन लूंगा। ठहरो, कोई गोली नहीं चलाएगा। तुमने जॉन को कोड़े से क्यों मारा? अरे तो इस कुत्ते को मैं उतने कोड़े मारूंगा जितने इसने मेरे दोस्त को मारे हैं। देखते हैं कौन किसको मारता है। आज इसके साथ अपन अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करेगा। साला तूने मेरा पैर तोड़ दिया था ना, अब इसी लोहे के जूते से तेरी आंतें बाहर निकाल दूंगा। आगे मत बढ़ टकले, नहीं तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। मैंने एक बम फेंका और एक कब्र तैयार हो गई। अगर किसी ने भी मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की तो मेरी जेबों में रखे हुए सारे बम से एक साथ फट जाएंगे और इसी जगह पर हम सबकी कब्रें बन जाएंगी। अब अगर हिम्मत है तो चलाओ गोली मुझ पर, मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों ने मां का दूध पिया है या डिब्बे का दूध पिया है। लेकिन तुम इतने खतरनाक बम लेके यहां क्यों आए हो? क्योंकि मुझे मालूम है हिंदी फिल्मों की विलेन की तरह तुम भी अपने वचन का पालन नहीं करोगे। मैं चाहता हूं ये बैग लेने से पहले तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। ठीक है, तुम अपने दोस्तों को छोड़ा लो, बस रुकिए। इसको ऐसे खतरनाक बम आग की गर्मी से फट जाते हैं। ए, ए, रुको, तुम तकलीफ क्यों करते हो? मैं खुलवा देता हूं इन्हें। अल्फांसो, माइकल, खोल दो इन्हें। उस्ताद बम फोड़ू, मुझको भी एक बम दे दो, मुझको भी किसी से बदला लेना है, किसी की कब्र बनानी है। एक बम दे दो, एक बम दे दो, एक बम दे दो। ओए अल्फांसू, तूने फिल्म गुड्डी देखी है ना? देखी है। उसमें जो स्टेचू बनने वाला पंच है याद है? याद है। ये स्टेचू बम खोपड़ी पे है, खोपड़ी फूट जाएगी। हिला बेटा तो कब्र में लेटा, पलंग पे बहुत लेटा, अब आया पकड़ में। मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, अब तुम भी अपना वचन पूरा करो। वचन तो वो पूरा करते हैं जो ठाकुर होते हैं। ना तो मैं ठाकुर हूं और ना ही मेरा दोस्त। जल्दी फैसला कर लो श्रीमान, तुम्हें पुलिस्तान चाहिए या कब्रिस्तान? ओए मक्खी, ओ मक्खी और बम, ठीक ठीक। ओए रे, इसके साथ तो मेरी भी कब्र बन जाएगी। ओ ठहर, अभी मत चीख, अभी नहीं, अभी नहीं, अब चीख। अपन तो चीखने नहीं, ओ उसकी बातों में मत आ, चीख चीखने नहीं। ओए चुप, चीख चीख दे। इसका मतलब है तुम्हारे पास सिर्फ एक बम मतलब था, अब तुम्हें माल से भी हाथ धोना पड़ेगा और अपनी जानों से भी। माल लाओ। दे दो, दे दो। ठीक है, तुम्हें बैग चाहिए था ना? चलो ले लो। हाँ ऊपर जाकर ले लो। उड़ा दूँगा गोली से। आगे बढ़ो। Oh,
शर्म है। ओ अलफासू, मुझको मार के फांसी चढ़नी है। ओ शिवा का झगड़ा है ना, तेरे को नहीं छोड़ेगा, तेरे को नहीं छोड़ेगा, फिर मार ले। किक गुटी यक्का। ओए पार्ले, ओए बच्चों की गोलियां खिला रहा है। ओए जालिम पार्ले, ओ मारना है तो मार ले। ओए फिर मीठी गोलियां, ओए जहरीले इंसान, ओए बच्चों की गोलियां खिला रहा है, ले खा ले। ओए बच्चों वाला पिस्तौल लेके निकला है, ओ मारना है तो असली पिस्तौल से मार। मेरी शिबा मुझसे छीन ले, मेरी जिंदगी भी मुझसे छीन ले। नहीं, तू छीन ले ताकि तुझको भी फांसी हो जाए, असली ले और नकली मुझे दे। बच्चू, लोग तलवार लेके निकलते हैं, हम ढाल लेके निकलते हैं। पिस्तौल असली है, इधर ढाल है, उधर बेल्ट है, उधर बेल्ट है, उधर बेल्ट है। ओए भाग, ओए आया पकड़ में, ओए नहीं आया पकड़ में, नहीं आया पकड़ में, ओ भाग। मुझे छोड़कर जा नहीं सकता सोनू, बुलबुलों की तरह तू चहक
से आ रही है सदा, तू सलामत रहे बस यही है दुआ। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, कर कहना आज भी उस्तादी उस्ताद से। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।